humans and welcome back to humanities i am purva and in today's video we are going to discuss every detail about our bhu banaras hindu university जी ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है अंडर सी यू टी उनका क्या क्राइटेरिया है और क्या एलिजिबिलिटी है सो वी विल फाइंड आउट एवरी थिंग रिगार्डिंग योर एडमिशंस इन बी एच यू क्लियर है चलिए यहाँ पे हम बी एच यू डॉट ए सी डॉट इन वेबसाइट पे है हमेशा याद रखिए दिस इज दी ओनली ऑथेंटिक वेबसाइट ऑफ दिस कॉलेज तो हमेशा जो भी आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस करेंगे बी एच यू डॉट ए सी डॉट इन से करेंगे क्लियर है यहाँ पे हम देख सकते हैं एडमिशन नोटिस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स है इस पे हम क्लिक करते हैं एंड हियर वी आर विद अंडर ग्रेजुएट इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2022 इसको हम खोलेंगे एंड देन हमारे पास एक 39 पेजेस की पीडीएफ आ जाती है जिसमें हर एक कोर्स से रिलेटेड हर एक चीज बताई गई है सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड एंड लेट्स एनालाइज कि बीएचयू कौन से कोर्सेज किस एलिजिबिलिटी के साथ ऑफर कर रहा है और CUET के अंडर आपको कौन से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चुनने होंगे चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2022. सो so, हमने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन समझी है उसमें क्या एक क्राइटेरिया लगाया गया है जो कि मेन है कि भैया जो आपके पास ट्वेल्थ में सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो सकते हैं लेट्स चेकआउट कि बी एच ने क्या बोला है क्या ऐसा क्राइटीरिया बी में भी है लेट्स गेट स्टार्टेड तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स दिया गया है काफी सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल्स दी गई हैं आगे चलते हैं अबाउट द यूनिवर्सिटी ये सब हमें स्किप करना है यहां पे बताया गया है कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं बाय बी एच यू पूरी लिस्ट दे दी गई है विद द नंबर ऑफ सीट्स क्लियर है लोकेशन के साथ साथ डन चलो जनरल कोर्सेज में बीए ऑनर्स जो आर्ट्स के लिए है फिर वोकेशनल सब कुछ डिटेल्स गिवन है Dear learners, exams are very near, and now is the time to practice, revise, and prepare well for finals as well as competitive exams. To help you with this, An Academy is here with 100% scholarships for your CUET examination. You can practice for CUET with all India free mock test on 22nd April 2022. Enroll now you can go for individual subscriptions for both part a and part b or can opt for combo subscriptions structured recorded courses live doubt solving sessions test series quizzes and unlimited access will be provided now is the time to prepare for upcoming entrance exams to secure a good college so what are you waiting for all the links are in the description box use my code purva2022 to unlock for free and get 10% off on any subscription let's crack it अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो यहाँ चैप्टर थ्री से शुरू होता है विच इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भैया एक कोर्स में जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी निकाली गई है क्लियर है देखो अब सबसे पहले जनरल कोर्स की बात करें जो बी ए ऑनर्स सोशल साइंसेज में दिया गया है पहले ड्यूरेशन दे दी है सब्जेक्ट कोड दे दिया है अब देखिए क्या है क्राइटेरिया सबसे पहली बात तो आप ट्वेल्थ पास होने चाहिए क्लियर है अच्छा अब अगर आप बी ए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके पास मैथ्स होनी चाहिए स्कूल में ऐसा बता दिया गया है क्लियर है बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया है तो स्ट्रीम चेंज पॉसिबल है और एज बता दी गई है 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑन 1 जुलाई 2022 डन ठीक है आगे चलते हैं बी एच यू का जो एक सबसे फेमस कोर्स है वो है फैकल्टी ऑफ लॉ के अंडर बी एल एल बी ऑनर्स इसका क्राइटेरिया क्या दिया गया है देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स टेन प्लस टू ट्वेल्थ पास होना चाहिए क्लियर है डन ठीक है बस और कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया गया है ये अभी सिर्फ और सिर्फ मैं एलिजिबिलिटी की बात कर रही हूं मैं ये बात नहीं कर रही कि कौन सा टेस्ट मांगा है क्या डोमेन स्पेसिफिक होगा क्या जनरल टेस्ट देना होगा नो ओनली एंड ओनली क्या आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं क्या आप इसमें दाखिला ले सकते हैं मैं ये बात कर रही हूं ये पहले मेंशन किया गया है तो जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं पहले आप देखिए कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं क्लियर अब यहाँ पे सेम बी कॉम ऑनर्स के लिए दिया हुआ है वही टेन प्लस टू या फिर इक्विवेलेंट यानी कि ट्वेल्थ पास होना चाहिए नॉट मोर देन ट्वेंटी टू ईयर्स और यहाँ पे क्या मैंशन है कि आपने बारहवीं कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस फाइनेंस फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट या फिर वोकेशनल कोर्सेज रिलेटेड टू कॉमर्स एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट सिक्योरिंग अनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स यानी कि आपके पास इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है अगर वो नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्लियर यही एलिजिबिलिटी दी गई है आप अपने कोर्स के लिए स्पेसिफिकली चेक करिए ये देखिए चैप्टर में हमें पता चल रहा है कि सिलेक्शन ऑफ डोमेन जनरल या फिर ऑप्शनल लैंग्वेजेस क्या चाहिए क्या हमें पेपर देने हैं इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए देखिए तो सबसे पहले अगर आपको बी ए ऑनर्स करनी है किसी भी सोशल साइंसिस के सब्जेक्ट में तो सबसे पहले आपको सी यू टी में अपियर करना है ऑब्वियसली उसमें क्या आपको पेपर देने हैं सेक्शन वन ए में लैंग्वेज टेस्ट हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक का आपको देना है मैंडेटरली ठीक है और सेक्शन थ्री जनरल टेस्ट देना है तो हमारा यहाँ क्लियर हो गया कि भैया इसके अंडर हमें एल वन प्लस जी चाहिए क्लियर और बोल दिया गया है कि ये दोनों कंपल्सरी है ये नहीं कि आपने एक दिया है और दूसरा नहीं दिया आपको दोनों देने हैं फॉर टेकिंग एडमिशन इन दिस कोर्स अंडर बी एच यू अब आते हैं हम बी एल एल बी ऑनर्स में ध्यान से सुनो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है स्टूडेंट्स को तो सी यू टी में आपको क्या देना है लैंग्वेज टेस्ट देना है हिंदी या फिर इंग्लिश में तो हमारा एलवन हो गया उसके बाद सेक्शन टू में लीगल स्टडीज तो भैया लीगल स्टडीज आप अगर आपके पास ये ट्वेल्थ क्लास में नहीं है तो भी ले सकते हैं क्योंकि हमारा बी एच यू ने ऐसा नहीं बोला है कि आपके पास ट्वेल्थ क्लास के ही सब्जेक्ट होने चाहिए इधर क्राइटेरिया नॉर्मल रखा गया है हमारा कि ट्वेल्थ पास होने चाहिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया था तो लीगल स्टडीज आप ले सकते हैं इवन इफ यू डोंट हैव इट इन योर क्लास डन और फिर जनरल टेस्ट तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन फॉर बी एल एल बी ऑनर्स मैं ये पूरी पी डी एफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जाके अपना डिजायर्ड कोर्स को आप एनालाइज करिए एंड अकॉर्डिंगली आप अपना फॉर्म भरिएगा क्लियर हम अपना बी कॉम ऑनर्स पे आते हैं हमने क्राइटेरिया पहले डिस्कस कर लिया है कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए इकोनॉमिक्स होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस जो भी डिस्कस किया था और फिर आपका क्या रिक्वायर्ड है आपका डोमेन स्पेसिफिक में अकाउंट्स बी प्लस आपका जनरल टेस्ट यानी कि ये तीनों चीजें कंपल्सरी है फॉर योर बी ऑनर्स सो एज डिस्कस दिस इज द राइट वे टू एनालाइज योर इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर बी एच यू पहले आपको ध्यान से जो अपना सेक्शन बी दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पढ़ना है देन यू हैव टू एनालाइज कि क्या आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं और उसके बाद जाके आपको अपना सेक्शन सी में देखना है कि कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड हैं कौन से कोर्सेज के लिए क्लियर यहाँ चैप्टर फाइव में यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर गिवन है यू कैन एनालाइज एवरीथिंग सब कुछ प्रोवाइडेड है यूनिवर्सिटी से आपका सीट एंड टेक फीस क्या रहेगी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कौन से आपको टेस्ट देने हैं अंडर सी अब सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात जो बड़ा confusion है कि भैया अपना फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंडर आपका बी ए ऑनर्स में लैंग्वेज आती है फॉरेन लैंग्वेजेस क्लियर है उसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में बी ए ऑनर्स में इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी सब कुछ दिया हुआ है यूनिवर्सिटी से सो नो मोर स्कोप फॉर कंफ्यूजन आप आपको लास्ट के पेज पे सब कुछ गिवन है कौन से कोर्सेस अवेलेबल है अंडर ईच ऑफ दी हेडिंग फैकल्टी ऑफ आर्ट सोशल साइंसेज साइंस कॉमर्स एवरीथिंग क्लियर है सो आई होप दैट आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई है बी को लेके आगे आपको कोई भी वीडियो सजेशंस है कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो आई होप यू लाइक डिट एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल यू आर एट ह्यूमैनिटीज हैप्पी लर्निंग आई सी यू इन द नेक्स्ट वन